सब्सक्राइब करें मेरे इस टेक्निकल एकेडमी चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि जो भी वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूं नोटिफिकेशन के जरिए वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। हेलो दोस्तों, मेरे टेक्निकल एकेडमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने फोटोशॉप से पासपोर्ट साइज इमेज कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने के लिए आपके पास फोटोशॉप होना चाहिए और दोस्तों आपके पास फोटोशॉप का कोई भी वर्जन हो उसमें आप बिल्कुल आसानी से अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं। दोस्तों फोटोशॉप में अलग अलग वर्जन होने पे आपको थोड़ा इंटरफेस अलग सा दिखेगा लेकिन सब में एक ही तरीका है पासपोर्ट साइज़ इमेज बनाने का। तो दोस्तों चलिए अब हम बताते हैं कि कैसे आपको फोटोशॉप में पासपोर्ट साइज़ इमेज अपनी बनानी है। सबसे पहले आपके पास फोटोशॉप का जो भी वर्जन हो आप उसे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर फाइल में आइए। फाइल में आने के बाद आप यहाँ पर ओपन पे आइए। जैसे ही ओपन पे आएंगे तो वो आपको आपके कंप्यूटर में लेकर चला जाएगा। आपके कंप्यूटर में जो भी आपकी इमेज होंगी आप वहाँ से अपनी इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर अपनी एक इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों ये इमेज मैंने खुद बनाई है बैकग्राउंड चेंज करके क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था पासपोर्ट साइज फ़ोटो के लिए। तो आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करें ये वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि आप फोटोशॉप से बहुत आसानी से अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज करें। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, फोटोशॉप में अपनी पासपोर्ट साइज़ इमेज बनाने के लिए आपको अपनी फ़ोटो ओपन कर लेनी है। जैसा कि मैंने यहाँ पर फोटो ओपन कर ली, अब आपको सिंपली यहाँ पर क्रॉप टूल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको जाना है, क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए क्रॉपिंग का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पर आप पहला वाला क्रॉप टूल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद ऊपर आप यहाँ पे देखिए कस्टम नज़र आ रहा है, यहाँ पर साइज़ दी हुई है कि इस साइज में आपका क्रॉपिंग होगा। तो आपका कोई सा भी वर्जन हो यहाँ पर आपको ये सारी फीचर देखने को मिलेंगे। तो सिंपली आप यहां कस्टम पे सेलेक्ट कर लिए। कस्टम पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पे दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कस्टम के नीचे लिखा हुआ है। तो इसे आप सेलेक्ट करेंगे तो उसे सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर लीजिए। जैसे कि मैं अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर ले रहा हूँ, तो ये देखिए मेरी फ़ोटो क्रॉप हो चुकी है। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा। जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो मेरी फ़ोटो इतनी साइज़ की हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मुझे पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बनानी है तो इसके लिए मैं क्या करूं? इसके लिए आपको फिर से क्रॉप टूल के ऑप्शन पर जाना होगा। वहां पर आप क्लिक करके क्रॉप टूल सेलेक्ट कीजिए और फिर से आपको ये ऑप्शन पे आना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद अब आपको अपने सबसे नीचे साइज एंड रिजोल्यूशन नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो की साइज देनी है। तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो बनाने के लिए अगर आपको थोड़ी बड़ी फ़ोटो चाहिए तो आप 3 या 4 इंच दे सकते हैं और थोड़ी छोटी फ़ोटो चाहिए तो आप 1.2 और नीचे आप दे दीजिए 1.6। तो आप यहाँ पर इतनी भी दे सकते हैं लेकिन ये थोड़ा छोटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं यहाँ पर 1.6 और यहाँ पर 2 इंच दे रहा हूँ। और इसका आपको रिजोल्यूशन सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे 100 रिजोल्यूशन दे दीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका फिर से क्रॉप का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप थोड़ा अपनी फ़ोटो को और थोड़ा सेलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा क्रॉप कर लीजिए। तो मैं यहाँ से और थोड़ा सा अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर लेता हूँ, थोड़ा फ़ोटो को दोनों साइड बराबर कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरी फ़ोटो क्रॉप हो चुकी है, मैं इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद आपकी फ़ोटो थोड़ी और छोटी हो जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, पहले ये जो क्रॉप टूल का ऑप्शन है इसे मैं हटा लूँ। तो सिंपली आप इस पर सेलेक्ट करें, किसी पर भी सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका ऑप्शन हट जाएगा। अब आपको जूम आउट करना है, थोड़ा फोटो बड़ी कर लेना है। तो मैं अल्टर प्रेस करूँगा और माउस से इसे बड़ा कर लूँगा। आप यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं और ये देखिए ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके भी आप इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे मेरी फ़ोटो क्रॉप हो चुकी है, अगर इस फ़ोटो में जैसे तो मेरी फ़ोटो भी क्लियर नज़र आ रही है, साफ़ है, लेकिन अगर आपकी थोड़ा काली फ़ोटो है, आप उसमें लाइटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे 3D सेलेक्ट था तो मैंने इसे एसेंशियल पे सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से यहाँ कर्व देखिए, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का कर्व का ऑप्शन हो जाएगा। आप इसे ऊपर करेंगे तो आपकी फ़ोटो थोड़ा लाइट हो जाएगी।
लेकिन मेरी फोटो पहले ही से वाइट है तो मैं इसे वाइट नहीं करना चाहता, फिर से यहाँ पर वैसे ही कर देता हूँ। आप यहाँ से चाहें तो अपनी फोटो का ये देखिए ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं और कंट्रास्ट वगैरह भी जो भी करना चाहें आप यहाँ साइड से कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं कंट्रोल ए से अपनी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों अब मुझे अपने फ़ोटो में बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए मैं कंट्रोल ए दबाऊँगा जिससे मेरी फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगी। और फ़ोटो सेलेक्ट होने के बाद मैं यहाँ पर अपने एडिट में जाऊँगा। एडिट में जाने के बाद मैं यहाँ स्ट्रोक पे जाऊँगा। स्ट्रोक में जाने के बाद मैं यहाँ विड्थ में कर दूंगा 10 पिक्सल। कलर मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैक एंड ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ मैं ओके करूँगा तो ये देखिए आपके फ़ोटो में बॉर्डर लग चुका है। अब मैं थोड़ा सा साइड से अपनी फ़ोटो को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ जिसके लिए मुझे यहाँ सेलेक्ट रहने देना है और इमेज पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद कैनवस साइज करना है। कैनवस साइज में मुझे यहाँ पर मैं परसेंट कर लूँगा, दोनों मैंने परसेंट कर लिया और इसको मैं 108 कर दूँगा 108 और उसके बाद ओके कर दूँ तो ये देखिए मेरी फ़ोटो थोड़ा सा बड़ी हो गई। अब मुझे फिर से कंट्रोल ए दबाना है तो ये मेरी फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगी पूरी। अब फाइल पर जाना है, न्यू करना है। न्यू करने के बाद यहाँ से आप फोटो पे सेलेक्ट कीजिए और आपको जिस भी पेपर में प्रिंट आउट निकालना है उस पेपर का यहाँ पे साइज दिया हो, जैसे 4x6 में या 5x7 में या लैंडस्केप 8x10 में निकालना है तो मैं यहाँ 8x10 में आपको बताता हूँ कैसे निकलेगा। तो यहाँ ओके कर देना है। ये देखिए नई विंडो आपकी ओपन हो गई। इसमें पहले आप एक चीज कर लीजिए, यहाँ पे देखिए जो नंबर लिखा है 101010 ये आपने आ रहा होगा, अगर ये नहीं आ रहा होगा तो आप कंट्रोल प्लस आर दबाएंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अपना माउस ले जाना है और ड्रैग करके एक लाइन लानी है जो थोड़ा सा नीचे ला के यहाँ पे आप छोड़ दीजिए और यही चीज आपको यहाँ राइट लेफ्ट में भी करनी है। लेफ्ट से ला के आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, ये मुझे फोटो लगाने में मेरी मदद करेगी ये लाइनें, तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे ला रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, अपने फ़ोटो पे जाना है। यहाँ से मैं यहाँ पर अपना मूव टूल सेलेक्ट करूँगा और इस फोटो को यहाँ से उठाकर मूव करा लूँगा सीधे ले जाके अपने इस दूसरी वाली विंडो में जहाँ पर मुझे फ़ोटो लगानी है। तो यहाँ से मैं देखिए यहाँ साइड में फ़ोटो लगा देता हूँ। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरी एक फ़ोटो लग गई है, इसी तरह मुझे यहाँ पर ढेर सारी फ़ोटो लगानी है। तो अब मैं यहाँ पर अल्टर की प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ पर अपनी फ़ोटो को पकड़ के यहाँ से मूव करा के यहाँ पर ले जाऊँगा। तो यहाँ से आप सारी फ़ोटो इसी तरह मूव करा लीजिए। आप अपने अल्टर की को मत छोड़िए, आप अपने माउस पर क्लिक करिए और अपनी फ़ोटो को राइट में मूव कराते चले जाइए थोड़ी थोड़ी सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे ऊपर की लाइन में जैसे कि मैंने लगाया हुआ है। ये देखिए सारी फ़ोटो मेरी यहाँ पर लग चुकी हैं। अब मुझे ये डिस्टेंस आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, इन सारी लेयर को एक साथ मर्ज कराना है। तो मैं कंट्रोल के साथ ई प्रेस करूँगा तो ये देखिए सारी लेयर अपने में मर्ज होती चली जाएगी। ये देखिए सारी लेयर आपकी राइट में, देखिए यहाँ पर सारी लेयर मर्ज हो चुकी हैं, सारी मिलके एक हो गई है। अब मुझे क्या करना है, फिर से अल्टर प्रेस करना है कीबोर्ड में और ये फ़ोटो यहाँ से पकड़ के सीधे मूव करा के लेकर चले आना है नीचे। सेम प्रोसेस जैसे हमने ऊपर किया था अब हम यहाँ पर नीचे कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों सारी फ़ोटोएँ लग चुकी हैं। अब मैं फिर से कंट्रोल प्लस ई करूँगा, ई बटन दबाऊँगा, ये सारी फ़ोटो फिर से मर्ज हो जाएगी। तो ये देखिए पूरी फ़ोटोएँ आपकी मर्ज हो गई। तो दोस्तों अब इसको आप डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, आप इसे कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सेव कर ले रहा हूँ अपने कंप्यूटर में, ये मैंने फ़ोटो सेव कर ली। तो दोस्तों इस तरह आप एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने फ़ोटोशॉप में बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों सो मच। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए टेक्नोलॉजी बातों और टिप्स के साथ। बाय बाय।